दोस्तों कार दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर न्यू ड्राइव यानी सिर्फ पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी और इसमें एक और टेक्नोलॉजी आती है हाइब्रिड, जो कि पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक मिक्स होके ये गाड़ी चलती है, जिसमें दोस्तों हाइब्रिड का मैंने स्टार्टिंग वेरियंट एस आपको चेक करा चुका हूँ। आज मैं आपको दिखाऊँगा न्यू ड्राइव, यानी ये जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है ये सिर्फ पेट्रोल से चलती है। इसका जी वेरियंट यानी ये है सेकेंड टॉप वी से एक नीचे वाला वेरियंट। एक्सप्लोर करेंगे इस गाड़ी को, चेक करेंगे इस गाड़ी के इंजन को, कितना पावर बनाती है, क्या माइलेज देती है, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, सारी चीज़ें अपने इस वीडियो में करते हैं डिस्कस। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हो, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। तो इसमें आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। इसके इंजन का डिस्प्लेसमेंट है 1462 सीसी का, चार सिलेंडर पर बना है। पावर जनरेट कर लेता है 75.8 किलोवाट की यानी 103.6 पीएस 6000 आरपीएम पे। टॉर्क है 136.8 एनएम का 4400 आरपीएम पे। मैनुअल ट्रांसमिशन में माइलेज क्लेम किया गया है 21.12 किलोमीटर पर लीटर का और 6 स्पीड ऑटोमेटिक पे क्लेम है 20.58 किलोमीटर पर लीटर का। दोस्तों इस गाड़ी का प्राइस प्रेजेंट का एक्स शोरूम है 14,34,000 रुपीज़ मैनुअल ट्रांसमिशन का और ऑटोमेटिक का है 15,54,000 रुपीज़। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर गाड़ी मैं आपको चेक करा रहा हूँ ये है इसका ऑटोमेटिक वेरियंट। चलिए एक्सप्लोर करते हैं टोयोटा हाई राइडर न्यू ड्राइव के जी वेरिएंट को। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक। थोड़ा सा सबसे पहले आपको इस गाड़ी के डिज़ाइनिंग एंड लुक्स के बारे में बता देते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दोस्तों इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। हालांकि जो है टोयोटा हाई राइडर और मारुति की ग्रैंड विटारा जो है एक तरीके से सिमिलर है, बट हर जगह से सिमिलर नहीं दी हुई है। यहाँ पे बात करेंगे इस गाड़ी का अगर फ्रंट लुक की, तो मेरी पर्सनल राय डेफिनेटली हाई राइडर की तरफ है, क्योंकि इसकी जो फ्रंट की ग्रिल दी है देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत ये ग्रिल है। थोड़ा सा स्माइल करते हुए यहाँ पे देखिए इसका फ्रंट लुक आता है। और न्यू ड्राइव और हाइब्रिड में थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क भी है। अगर आप इसकी फिनिशिंग चेक करिए तो ये पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, वहीं पर मैंने अपने हाइब्रिड वाले वीडियो में चेक कराया था। इसकी ग्रिल पर एक्रिलिक डिज़ाइन पैटर्न मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके नीचे की तरफ, तो देखिए ट्रेपेजॉइडल ये वाइड जो है लोअर ग्रिल चेक कर सकते हैं। बात करते हैं थोड़े से इस गाड़ी के फ्रंट में लाइटिंग्स की एंड इंडिकेटर्स की। तो देखिए इसमें ट्विन यहाँ पे ऊपर और नीचे की तरफ ये इंडिकेटर्स ब्लिंक कर रहे हैं। जब इनको बंद कर देते हैं तो यही इंडिकेटर्स LED DRS पे कन्वर्ट हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जी वेरिएंट के जो हेडलैम्प्स हैं ये आपको LED प्रोजेक्टर्स मिलते हैं, यानी वाइट कलर की लाइट है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो है इसमें लाइटिंग मिलती है। न्यू ड्राइव और हाइब्रिड में थोड़ा सा फ़र्क आपको दिखेगा, उसमें वहाँ पे क्रोम का यूज़ था, यहाँ पे देखिए हेडलैम्प्स के सराउंड्स पे पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ है। हालांकि दोस्तों न्यू ड्राइव और हाइब्रिड दोनों में फीचर्स अलग हैं और कह लीजिए यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ भी अलग दे रखी हैं। चलिए आ जाते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल को एक्सप्लोर करते हैं और साइड से आपको दिखाते हैं टोयोटा हाई राइडर जी वेरियंट न्यू ड्राइव में। चलिए बढ़ते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। देखिए इसमें आपको मिल जाएंगे बहुत ही खूबसूरत डुअल टोन पे एलॉय व्हील्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे अगर हम व्हील साइज़ की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 215/60R17 इंच के ये व्हील्स दे रखे हैं। इस वेरिएंट पे देखिए यहाँ पे इस गाड़ी को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे क्रोम की बेल्ट लाइन आप चेक कर सकते हैं, जो कि देखिए विंडो पे यहाँ पे पीछे तक आ रही है। फ्यूल इंटीग्रिया इस तरफ दिया हुआ है। चलिए आ जाते हैं इस गाड़ी के बैक साइड में और बैक से आपको चेक कराते हैं टोयोटा हाई राइडर। इसकी टेल लैम्प्स ऑन करूँगा फिर करूँगा आगे बात। ये देखिए दोस्तों टेल लैम्प्स ऑन होने के बाद यहाँ पे आप टोयोटा हाई राइडर की बैक साइड की खूबसूरती को चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दोस्तों इस गाड़ी के LED टेल लैम्प्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए वर्टिकल फॉर्मेट पे यहाँ पे इंडिकेटर है, रिवर्स पार्किंग गियर लाइट और रिफ्लेक्टर्स तीनों एक साथ प्लेस किए गए हैं। न्यू ड्राइव में दोस्तों यहाँ पे जो बैक डोर गार्निश है ये क्रोम पे ना देके ये सिल्वर फिनिश पे दी हुई है। इसके अलावा इस वेरिएंट में यहाँ पे आपको सेंसर्स एंड कैमरे का लेंस इधर दे रखा है, प्रोवाइड किया गया है। देखिए डिफॉगर्स के साथ यहाँ पे आपको रियर वाइपर एंड वॉशर मिल जाएगा। और टॉप पे सार्फिन एंटीना टोयोटा हाई राइडर पे स्टैंडर्ड है, सभी वेरिएंट्स मिलता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम मार्किंग्स की बात करते हैं तो इस साइड पे अर्बन क्रूजर हाई राइडर को मार्क किया गया है और इस साइड पे देखिए हम आपको जी
की वारंटी दिखा रहे हैं और न्यू ड्राइव, यानी ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल से ड्राइव होती है। इसमें स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे उसकी देखिए न्यू ड्राइव की मार्किंग दे रखी है। तो एक्सटीरियर दोस्तों यहाँ पे हमने इस गाड़ी का अच्छे से चेक कर लिया है। चलिए चलते इस गाड़ी के इंटीरियर को एक्सप्लोर करते हैं। इसमें स्मार्ट कीज स्टैंडर्ड है, अंदर रखी है, निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए, ये रही इस गाड़ी की यहाँ पे स्मार्ट कीज, जिसमें बैक साइड पे टोयोटा की ब्रांडिंग है, आगे की तरफ लॉक अनलॉक का बटन है, और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है। अगर हम इसको प्रेस कर देंगे तो डोर लॉक हो जाएंगे, आउटसाइड मिरर्स अपने आप ही बंद हो गए, और जैसे मैं इसको वापस प्रेस कर दूँगा तो ये हालाँकि ओपन कब होंगे दिखाते हैं, जब हम इसका इग्निशन को ऑन कर देंगे। ये देखिए, ये वापस अपनी जगह ओपन हो गए। चलिए स्मार्ट कीज़ को यहाँ पर रख देते हैं और बात करते हैं बाकी चीज़ों की। तो दोस्तों इंटीरियर चेक करिए, ये न्यू ड्राइव सिर्फ पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी आप चेक कर रहे हैं। यहाँ पे इंटीरियर जो है वो हाइब्रिड से डिफरेंट है। इसमें आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलेगा, ब्लैक एंड ब्राउन कॉम्बिनेशन इंटीरियर सिर्फ पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक वाली हाइब्रिड गाड़ी पे दिया हुआ है। तो इसका आप कोई भी वेरिएंट लीजिए, आपको सेम इसी तरीके का ऑल ब्लैक इंटीरियर मिल जाएगा। जी वेरिएंट की खासियत ये है कि यहाँ पे देखिए, इस पर जो इसके डैशबोर्ड फिनिश वगैरह है ये सब सॉफ्ट पे है। इवन यहाँ पर आप स्टिचेस वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो खूबसूरत यहाँ पर इस गाड़ी का डैशबोर्ड बनाया है, और यहाँ पर अगर चेक करिए तो काफ़ी जगह पर आपको सिल्वर लाइनिंग्स देखने को मिलती हैं। इवन जब हम डोर पैनल्स चेक करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए सब लेदराइट ट्रिम्स को यूज़ किया गया है। इस साइड पे देखिए सब सॉफ्ट ट्रिम मिलता है, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम सेटिंग दे रखी है। दोस्तों इसके जो डोर आर्म रेस्ट हैं इसमें तो लेदर का यूज़ है, लेकिन अगर आप सीटें चेक करेंगे तो सीटों पे यहाँ पे फैब्रिक मटेरियल का यूज़ देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए इसमें हाइट एडजस्टेबल, हालांकि ड्राइविंग सीट स्टैंडर्ड है, सभी गाड़ियों में आती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम फीचर्स की। तो चारों पार विंडो, आउटसाइड मिरर्स को इलेक्ट्रिक फोल्ड एडजस्ट करने के बटन्स इस तरफ दिए रखे हैं। यहाँ पे स्पीकर्स, वाटर होल्डर मिल जाएगा। बैक डोर आपको करा देते हैं चेक। गाड़ी ज़रा मैं एक मिनट के लिए पूरी तरह से अनलॉक कर देता हूँ। अब देखिए ये है इस गाड़ी का बैक डोर। यहाँ पे भी देखिए सेम ये सब सॉफ्ट लेदर ट्रिम का यूज़ किया गया है, प्रीमियम डोर यहाँ पे आपको मिलते हैं। बैक सेटिंग की बात करते हैं तो देखिए इस तरीके की यहाँ पे आपको एक फोल्डिंग आर्मरेस्ट, इसमें दो कप होल्डर से रखे हैं, तीन हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। ये भी हालांकि स्टैंडर्ड है, सभी में दिए हुए हैं। इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। 60-40 स्प्लिट सीट का प्रोविज़न मिल जाता है। ये सीटें जो हैं रिक्लाइनर भी हैं, इनको आप थोड़ा सा पीछे भी ले जा सकते हैं, आगे की तरफ भी सेट कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से कम्फर्ट लेवल को आप इनकी सीटों पर सेट कर पाएंगे। बाकी ये देखिए आइसोफिक्स यानी चाइल्ड एंकर सीट को लगाने का यहाँ पर प्रोविज़न दिया हुआ है। बैक सीटिंग में बैठ जाते हैं। हालाँकि मैंने अपने सभी वीडियो में, चाहे मारुति की ग्रैंड विटारा हो या फिर टोयोटा हाईराइडर हो, सब में मैंने पीछे बैठ के थोड़ा सा आपको लेगरूम चेक कराया है, जिससे आपको आइडिया मिले कि इस गाड़ी में बैठने के बाद पीछे कितना स्पेस मिलता है। इवन दोस्तों टोयोटा की हाईराइडर पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ये 7 सीटर गाड़ी है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, ये है 5 सीटर SUV मिलती है। अब आगे की तरफ जो ड्राइविंग सीट है मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखी है, 5'8" हाइट के आसपास। अगर आपकी भी हाइट है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लेगरूम दिया हुआ है। सेंटर हम जरूर थोड़ा सा यहाँ पे ऊंचा है। रियर एसी वेंट प्रोवाइड किए गए हैं, और यहाँ पे टाइप सी और टाइप ए ये दो चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। ऊपर साइड देख लीजिए, यहाँ पे आपको ग्रिप्स मिल जाएंगी, और साइड्स में दिए हुए हैं रीडिंग लैंप्स। चलिए अब निकलते हैं इस गाड़ी की बैक सीटिंग से, और आगे बढ़ने से पहले हम चलेंगे बूट की तरफ और आपको दिखाएंगे न्यू ड्राइव का बूट। यहाँ पे दोस्तों बूट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हाइब्रिड में बैटरीज लगे होने की वजह से थोड़ा सा बूट कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बट यहाँ पे आपको फुल देखिए बूट मिल जाता है। और बूट लैंप भी देखिए इस साइड पे है, जिसमें मैनुअल स्विच है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक एसेसरी सॉकेट दे रखा है 12 वोल्ट का, और इसका जो स्पेयर व्हील है वो भी अपनी जगह पे है। हाइब्रिड पे नीचे की तरफ दे रखा है, बट यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल पोजीशनिंग पे दिया हुआ है। इससे बेनिफिट ये है कि जब भी हमें इस स्पेयर व्हील की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ईजिली इसको निकाल सकते हैं और वापस रख सकते हैं। और ये स्पेयर व्हील बाकी व्हील्स की तरह एलॉयस पे ना दे के स्टील पे दिया हुआ है, और साइज़ वाइज हालाँकि सेम है। यहाँ पे देखिए 215/60R17 साइज सेम, लेकिन ये है स्टील पे। चलिए यहाँ पे बूट चेक कर लिया है, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, एक्सप्लोर करते हैं बाकी चीज़ों को। चलिए बैठते हैं इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे और आपको दिखाते हैं एक झलक टोयोटा हाईराइडर का न्यू ड्राइव का जी वेरिएंट। दोस्तों मैं कर रहा हूँ एक्सप्लोर, तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का फिट एंड फिनिश आपके सामने। यहाँ पे क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा फिट एंड फिनिश मिलता है। देखिए पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ है, सिल्वर फिनिश का यूज़ है, जिसकी वजह से गाड़ी खूबसूरत
दिखती है। कुछ कप होल्डर्स दे रखे हैं, आगे की तरफ आर्म रेस्ट है जो कि स्लाइडर है, अंदर तरफ यहाँ पे एक बॉक्स मिल जाएगा। इस गाड़ी के ग्लव बॉक्स को भी चेक करवा देता हूँ जिसमें लाइट 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 लगी है। ये देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी भी दिन का वक्त है, अंदर तरफ कप बॉक्स लाइट भी दी हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं फीचर्स की, तो स्टीयरिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर मिलेगा, एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है इससे आप सेट कर सकते हैं, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग प्रोवाइड किया गया है, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स चेक कर सकते हैं, क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा हाइब्रिड गाड़ी से। हाइब्रिड में 7 इंच का डिजिटल कलरफुल डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ नीडल्स भी हैं। राइट साइड पे स्पीडोमीटर की है, लेफ्ट हैंड साइड पे RPM मीटर की दे रखी है, सेंटर पे जो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है उसके यहाँ पे बटन्स हैं, उसमें स्टीयरिंग पे थे इसमें मीटर पे ही दिए हुए हैं और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये शो करता है। स्मार्ट हाइब्रिड इंजन है तो दोस्तों इसमें भी लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया गया है, इसकी देखिए यहाँ पे परसेंटेज लेवल चेक करा रहा है क्योंकि दोस्तों इसमें आइडल स्टार्ट स्टॉप फीचर, ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन और टॉर्क असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। आइडल स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पे फ़ायदा ये रहता है कि अगर आपने इसको ऑन करके रखा हुआ है ट्रैफिक पे, जैसे ही गाड़ी रुकेगी तो ये ऑटोमेटिकली इंजन को बंद कर देगा, तो इस तरीके से फ्यूल सेविंग होती है। बाकी अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो इसमें व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं, डुअल एयरबैग सेटअप आपको इसमें मिलेगा, साथ में ABS EBD दे रखा है। चलिए इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें आपको 9 इंच का यहाँ पे टच स्क्रीन सिस्टम दिया हुआ है, इसमें देखिए साइज वाइज भी बड़ा है, इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा ये म्यूजिक सिस्टम कवर करता है और ये एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले का सपोर्ट है, साथ में इसमें वॉइस कमांड्स भी हैं, तो यहाँ पे हम Hi, what can I do for you? वॉइस कमांड्स देके दोस्तों कई सारी चीज़ों को हम ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम पे। और म्यूजिक सिस्टम पे जो है 4 स्पीकर्स दिए हुए हैं और फ्रंट में 2 ट्यूटर्स मिल जाएंगे। चलिए एसी तो स्टैंडर्ड है, ऑटोमेटिक एसी सभी वेरिएंट्स पे दिया हुआ है। इसके अलावा इस साइड पे चेक कर लीजिए म्यूजिक सिस्टम के लिए यहाँ पे पोर्ट दे रखा है USB का और इस साइड पे 12 वोल्ट का एक पावर आउट मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ट्रांसमिशन को भी चेक कराते हैं, जरा पहले आप ऊपर साइड देख लीजिए तो इसमें ऑटो डिमिंग IRVM भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे इस पे पीछे जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं उनकी लाइट पड़ेगी उसको ये ऑटोमेटिकली डिम कर देगा। आगे की तरफ सनग्लास होल्डर और मैप लाइट्स आप इसमें चेक कर सकते हैं। बाकी सन वाइजर्स के बैक साइड पे वैनिटी मीटर और साथ में वैनिटी लाइट भी दे रखी है इस वेरिएंट पे, जो कि देखिए दोनों साइड पे प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों ये है टोयोटा हाइराइडर न्यू ड्राइव जी वेरिएंट, चेक कर लिया है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे आप इसके ट्रांसमिशन को भी समझ लीजिए जो कि 6 स्पीड 80 पे आता है और यहाँ पे देखिए कई सारे नंबर्स हैं, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और यहाँ पे मैनुअल गियरिंग के लिए इधर मैनुअल मोड भी दिया हुआ है। जैसे मैं इसमें रिवर्स गियर लगाऊंगा तो देखिए पीछे का कैमरा स्टार्ट हो गया और बीप जो है वो सेंसर्स की आ रही है। चलिए इसको मैं वापस न्यूट्रल कर देता हूँ। हाइब्रिड गाड़ी पे क्या था, जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो वो सीधे इलेक्ट्रिक पे स्टार्ट हो रही थी, बट ये देखिए यहाँ पे इंजन स्टार्ट हो गया है, पेट्रोल पे है। एक मिनट के लिए मैं शांत होऊंगा जिससे आपको यहाँ पे इंजन के कितना नॉइज आ रहा है वो समझ में आ जाए। देखिए तो यहाँ पे कोई भी वाइब्रेशंस वगैरह भी नहीं है, मैं थोड़ा सा रेस देता हूँ। बहुत ज़्यादा इंजन का नॉइज़ दोस्तों केबिन पे नहीं आ रहा है और देखिए ऑटोमेटिक गाड़ी पे यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी प्रोवाइड किए गए, यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये पैडल शिफ्टर्स दे रखे हैं। दोस्तों पैडल शिफ्टर्स किस तरीके से वर्क करते हैं इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप पैडल शिफ्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे उस वीडियो को चेक करिएगा, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा। तो दोस्तों आपने चेक कर लिया टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर न्यू ड्राइव जी वेरिएंट, क्या फीचर्स मिलते हैं दोस्तों, इंजन में कितना पावर है, इस गाड़ी में क्या क्या खूबियां हैं, सारी चीज़ें हमने बात कर ली है। दोस्तों इस गाड़ी के बारे में आपकी क्या राय हमें ज़रूर बताइएगा। टोयोटा हाई राइडर के बाकी वेरिएंट्स भी अगर आप देखना चाहते हैं तो जाने से पहले कार दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं जल्दी आपके सामने और भी वेरिएंट्स लेकर आने वाला हूँ। मिलते हैं जल्दी अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना रखिए ख्याल, थैंक यू।